हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वह इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सरल सूक्ष्मदर्शी यानी सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है ना? ये क्लास 12th फिजिक्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं सूक्ष्मदर्शी के बारे में। मैक्सिमम लोगों ने आप में से सूक्ष्मदर्शी के बारे में जानते होंगे। सूक्ष्मदर्शी क्या है बताइए? सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिकी यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम छोटी वस्तुओं को बड़ा देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप से क्या हो सकता है? किसी भी अति सूक्ष्म वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, यानी छोटी वस्तुएं हमें बड़ी दिखाई देती हैं अगर हम इस यंत्र का उपयोग करें। बात समझ गए? सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से अति सूक्ष्म वस्तुएं हमें बड़ी दिखाई देती हैं। ये सब चीजें जानते होंगे, नाम आपने सुना होगा, यानी छोटी वस्तुओं को बड़ा देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हमें बात करना है सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में। देखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ भी नहीं है। अगर आपने लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ा है, जिसमें 6 कंडीशन आपने टोटल पढ़ा होगा, उसमें एकदम एक लास्ट कंडीशन पढ़ा होगा, जिस कंडीशन में हम लोगों ने उत्तल लेंस के सामने जब वस्तु को प्रथम मुख्य फोकस और ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखा था, उसी कंडीशन को लेकर के प्रकाश सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग चलेंगे। देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। आप में से आई थिंक 99% लोग सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग जरूर किए होंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि यही सरल सूक्ष्मदर्शी है। आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में 10 रुपए का मिलता होगा, 20 रुपए का एक गोला सा ऐसा लेंस होता है, उसके बाद यहाँ एक डंडी लगी होती है। ठीक है ना? जैसे आप लोग उसको खरीद लेते हैं, ठीक है, उसको टच आप करेंगे, एक ऐसा लेंस होता है जिसको ऐसे पकड़ के आप लोग नज़दीक आँख करके वो किसी भी वस्तु को, छोटी वस्तु को देखते हैं। ठीक है ना? वो लगभग सबके घरों में मिल जाता है, अगर गांव में या शहर में कहीं भी रहते हैं तो वो सबको घर में लगभग मिल जाता है। कुछ इस प्रकार का होता है सरल सूक्ष्मदर्शी। उसमें क्या होता है, ऐसे डंडी पकड़ करके हम लोग आँख एकदम नज़दीक ला करके वस्तु को देखते हैं, तो थोड़ी वस्तु हमें क्या होती है, बड़ी दिखाई देती है। कुछ इस प्रकार का होता है। चलिए इसके अंदर की बातों को जानते हैं, कैसे वर्क करता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी कुछ भी नहीं है, एक उत्तल लेंस होता है। जो उत्तल लेंस होता है वह कम द्वारक और कम फोकस दूरी का होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस लगा होता है और यह उत्तल लेंस कम द्वारक और कम फोकस दूरी का, द्वारक मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे ये क्या होता है, इसका कम, ये द्वारक होता है किसी भी लेंस या दर्पण का, ये क्या होता है, द्वारक होता है। तो जब सरल सूक्ष्मदर्शी की बात करेंगे तो सरल सूक्ष्मदर्शी में ये जो द्वारक होता है वह क्या होता है, कम होता है। सपोज करते हैं ये इस सूक्ष्मदर्शी का क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज करते हैं ऑप्टिकल सेंटर है, ये इस सूक्ष्मदर्शी का प्रथम मुख्य फोकस है। ठीक है, ये 2F- है। ठीक है ना, 2F1 कहिए, हाँ, प्रथम मुख्य फोकस। ठीक है, उसके बाद इधर क्या होता है, द्वितीय मुख्य फोकस, उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस इधर ही होता है, F2, और ये क्या है, 2F2। ठीक है ना? अब देखिए, एक अच्छा कंडीशन लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना जब हम लोगों ने पढ़ रहे थे, तो वहां पे एक बहुत पॉपुलर कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा था, जब वस्तु को ऑप्टिकल सेंटर और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में रख रहे थे तो प्रतिबिंब कैसे बन रहा था बताइए। चलिए देख लेते हैं। सपोज करते हैं ऑप्टिकल सेंटर और प्रकाशीय केंद्र के बीच में एक वस्तु है AB- जो रखी हुई है। अब देखिए क्या होता है, इसे यहां प्रतिबिंब चलिए बना देते हैं। पहली किरण ऐसे चली मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें कहां से होकर के जाती हैं, यहां से, द्वितीय मुख्य फोकस से। ठीक है, उसके बाद दूसरी किरण को हम लोग कहां से लेकर के जाते हैं,
ऑप्टिकल सेंटर से, प्रकाशीय केंद्र से, प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। हम देख रहे हैं कि इन दोनों किरणों के बीच में लगातार डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है, दोनों के बीच की दूरी लगातार जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं डिस्टेंस बढ़ रहा है, दूरी बढ़ रहा है, यानी ये दोनों किरणें एक दूसरे को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो कभी भी नहीं काटेंगे। तो इनको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे पीछे बढ़ा देते हैं, ठीक है। इनको हम लोगों ने क्या किया, ऐसे पीछे बढ़ा दिया, ठीक है। इनको हम लोगों ने पीछे बढ़ाया तो यहां पे ये वस्तु काटी, ठीक है। ये कहां पे काट रही है, कहीं भी काट सकती है, यहां भी, यहां भी, कहीं भी काटेंगी। सपोज करते हैं ये क्या है, ए डैश और बी डैश है, ठीक है। तो बस यही सरल सूक्ष्मदर्शी है और कुछ भी नहीं है, सिंपल माइक्रोस्कोप में कुछ भी नहीं है, इतना ही है। सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है, एक कम फोकस दूरी और कम द्वारक का उत्तल लेंस होता है। इसमें वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में रखा जाता है, जिससे वस्तु का आभासी, देखिए पीछे बढ़ाने पर काट रहा है इसलिए आभासी सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, देखिए वस्तु इतना बड़ा था, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन गया है, और हमें वस्तु से बड़ा ही प्रतिबिंब बना था, यानी छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखना था, तो वस्तु इतनी छोटी थी, प्रतिबिंब इतना बड़ा बना, यानी वस्तु हमें इतनी बड़ी दिखाई देगी। और हमारा जो नेत्र होता है वहाँ, यहाँ पर हम लोग नेत्र लगा लेते हैं, ठीक है। नेत्र यहाँ करके हम सारी वस्तुओं को देखते हैं, या फिर नेत्र इधर भी ले कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, एकदम सेम टू सेम यही चीजें है और कुछ भी नहीं है। सरल सूक्ष्मदर्शी एकदम यही है, यानी कि बस इतना याद रखिए, जब उत्तल लेंस के सामने वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में रखा जाता है, तब वस्तु का आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है, और यही सेम टू सेम प्रक्रिया सरल सूक्ष्मदर्शी में भी होता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप कैसा होता है, तो ऑलरेडी हमने आपको बता दिया, ऐसा गोला सा होता है, ठीक है, ऐसे पकड़ करके उसको ऐसे देखते हैं, वो सब चीजें हैं। कार्य कैसे करता है, इस प्रकार से कार्य करता है, ठीक है। अच्छा, किसी भी लेंस के बारे में पढ़ें और उसका आवर्धन क्षमता ना निकालें, यानी आपने कुछ भी पढ़ा नहीं है। इस लेंस की हमें क्या चाहिए, मैग्नीफाइंग पावर। लेंस की हमें क्या चाहिए, मैग्नीफाइंग पावर, यानी आवर्धन क्षमता। देखिए यंत्र किसी भी सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता को कैपिटल यम से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल यम बराबर होता है बीटा के बटे अल्फा। बीटा और अल्फा क्या होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। बीटा जो आपने यंत्र लिया है, चाहे सरल सूक्ष्मदर्शी या कोई भी दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी लिया है, उस यंत्र के द्वारा जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है, जैसे अंतिम प्रतिबिंब यहाँ पे ये बन रहा है, तो ये प्रतिबिंब आपके नेत्र पर कितने अंश का कोण बना रहा है, सपोज करते हैं यही कोण बना रहा है, ठीक है। जो कोण बनाएगा उसी एंगल को हम लोग कहते हैं बीटा। बात आप हमारी समझ रहे हैं, कहेंगे कि बीटा क्या होता है, यंत्र के द्वारा बनाया गया अंतिम प्रतिबिंब, यंत्र जो अंतिम प्रतिबिंब बना रहा है वह प्रतिबिंब नेत्र पर जितने अंश का कोण बनाता है वही क्या है, बीटा है। अल्फा क्या होता है, अल्फा आप लोग जानते हैं कि बिना किसी यंत्र के, मतलब आप कोई भी यंत्र मत लगाइए, उस समय वस्तु आपके नेत्रों पर जो दर्शन कोण बनाता है उसे कहते हैं अल्फा। मतलब यंत्र आप कुछ मत लगाइए, सीधे ऐसे वस्तु को देखिए, ठीक है ना, बिना यंत्र के कुछ भी मत लगाइए, तो उस समय वह वस्तु आपके नेत्र पर कितने अंश का कोण बना रहा है वही क्या है, अल्फा है। लेकिन जब बात होगी सूक्ष्मदर्शी की, हमने आपको इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में बताया था मैग्नीफाइंग पावर वाले में, जब बात होगी सूक्ष्मदर्शी की, तो वस्तु को यहाँ पे जैसे वस्तु क्या है, ए बी है ना, वस्तु को नेत्र से कितने डिस्टेंस पर रखा जाता है, डी डिस्टेंस पर रखा जाता है, यानी निकट बिंदु पर रखा जाता है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितना है, डी है, और यहां पे क्या है, नेत्र लगा हुआ है। इस कंडीशन में जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे अल्फा, ठीक। तो बीटा और अल्फा, आई होप आप समझ गए होंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब कुछ चीजें हम जो आपको स्पष्ट करना चाहते हैं, देखिए वस्तु की जो लंबाई है वह बहुत छोटी है, बताइए बहुत छोटी है,
और बहुत छोटी है तो जो एंगल बनेगा वह भी क्या होगा, बहुत छोटा हो। देखिए हम तो दिखाने के लिए इतनी बड़ी वस्तु बनाए ना, वस्तु बहुत छोटी है, इतनी बड़ी है। तो बताइए इस कंडीशन के लिए जो एंगल बन रहा है वह क्या हो रहा है, बहुत छोटा बन रहा है, बहुत छोटा एंगल बन रहा है ना। कहेंगे कि चूंकि इसी चीज को लिख रहे हैं, क्यों क्यों लिख रहे हैं आप समझ जाएंगे अभी, चूंकि वस्तु बहुत छोटी है, वस्तु बहुत छोटी है, अतः अल्फा और बीटा भी बहुत छोटे होंगे। होंगे कि नहीं बताइए, वस्तु बहुत छोटी, इतनी बड़ी छोटी, जब वस्तु छोटा तो जो कोण बनेगा वह भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा, अल्फा और बीटा भी बहुत छोटे होंगे। अब देखिए जब ऐसे कंडीशन आएंगे, अल्फा और बीटा बहुत छोटे हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम अल्फा के स्थान पर क्या लिख लेते हैं, टेन अल्फा, ठीक है ना। अगर कोण बहुत छोटा है तो अल्फा के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है, टेन अल्फा लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अब टेन अल्फा लिख सकते हैं, यानी अल्फा के स्थान पर टेन अल्फा लिख सकते हैं। और यहां पे देखिए ये सारी, यहां पर सपोज करते हैं वस्तु की जो लंबाई है वह कितना है, एच है, वस्तु की लंबाई कितना है, एच है, ठीक है ना। अब यहां से अल्फा, अच्छा टेन अल्फा बराबर क्या होता है, लंब के बटे आधार, लंब के बटे क्या होता है, आधार, ठीक है। तो यहां से अगर हमें निकालना हो अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा इज इक्वल टू लंब, बताइए लंब यहां पे कौन है, यच है, वस्तु की लंबाई है, यच बटे आधार, आधार क्या है, ये वाली डिस्टेंस, यानी क्या है, डी है, ठीक है। समीकरण नंबर एक, अल्फा का मान निकल गया कितना, यच बटे डी। इसी प्रकार बीटा इज इक्वल टू निकालना है, चूंकि बीटा भी बहुत छोटा होगा, ऐसा थोड़ी ना है कि वस्तु इतना है और प्रतिबिंब पहाड़ जैसा बन जाएगा, थोड़ा सा बड़ा बनेगा ना, तो ऐसा थोड़ी नहीं, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा, आपको बहुत बड़ा पहाड़ जैसा दिखने लगेगा, उससे थोड़ा सा बड़ा दिखेगा तो जो कोण बनेगा फिर भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो इसी प्रकार बीटा के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन बीटा, बीटा के स्थान पे, अच्छा बीटा निकालना है तो यहां पे हमने देखा बीटा यही एंगल बन रहा है, ठीक है ना। बीटा क्या हो रहा है, ये एंगल बन रहा है। अब बीटा निकालने के लिए आपके पास देखिए, हमने कहा अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बना कोण, तो बीटा निकालने के लिए ये वाला त्रिभुज भी आप ले सकते हैं या फिर ये छोटा वाला त्रिभुज भी ले सकते हैं। देखिए अगर आप बीटा निकालना, बीटा इस वाले त्रिभुज में भी है और इस वाले त्रिभुज में भी है, दोनों त्रिभुज में बीटा है, तो चाहे इस त्रिभुज से निकाले चाहे इस त्रिभुज से निकाले, मान क्या होगा, दोनों इक्वल आएंगे। अब चूंकि यहां पे हमें हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पता है, देखिए दोनों में रिलेशन निकालना है, बीटा अल्फा में रिलेशन निकालना है, तो यहां पे ये डिस्टेंस हमें पता है तो ये वाला लेंगे तो हमें फायदा होगा, ठीक है ना। जो पता है उसी को लेंगे ना, तो ये पता है तो इसको हम चल ले ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे बताइए बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा यहां से बताइए सपोज करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से वस्तु के बीच की दूरी कितना है, यू है, ऑप्टिकल सेंटर से वस्तु के बीच की दूरी कितना लिया जाता है, यू ही लिया जाता है ना। तो यहां से बताइए बीटा इज इक्वल टू होगा लंब, लंब यानी एच बटे आधार, आधार मतलब यू, यानी बीटा बराबर हो जाएगा एच के बटे यू, समीकरण नंबर दो हो जाएगा। हमें क्या निकालना है बताइए, पहले हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एम का मान, और एम बराबर होता है बीटा बटे अल्फा, ठीक है ना। एम बराबर क्या होता है, बीटा बटे अल्फा, अच्छा बीटा का मान यहां पे हमने निकाला है क्या है, एच बटे यू के बटे अल्फा, और अल्फा का मान यहां निकाला है एच बटे डी, ये एच एच से कैंसिल, डी सबसे नीचे सबसे ऊपर, यानी m बराबर हो जाएगा d के बटे u, m बराबर कितना गया, d बटे u, और यह जो समीकरण आया यही समीकरण है सिंपल माइक्रोस्कोप सरल सूक्ष्मदर्शी का, क्या सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, कुछ चीजों को अभी हम लोग और आगे देखेंगे, एकदम आसान चीजें हैं, सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी हो गई, एम इज इक्वल टू डी के बटे यू, ठीक है ना। यहां से आप स्पष्ट समझ पा रहे हैं, नहीं ये डी सबसे नीचे था सबसे ऊपर चला गया, एच एस से कैंसिल, यू बचा है, ठीक है। अच्छा एक चीज यहां से आप देख सकते होंगे कि अगर
एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। देखिए बटे में डी तो कांस्टेंट है, किसी भी नेत्र के लिए डी का मान कांस्टेंट होगा, मतलब इतनी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्लियर होगी, इतना तक हमें स्पष्ट दिखाई देगा, तो डी तो क्या है कांस्टेंट है। यम इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू है, यानी यू का मान बढ़ाएंगे तो आवर्धन क्षमता क्या होगा घटेगा। देखिए यू का मान बढ़ेगा तो आवर्धन क्षमता घटेगा, यू का मान घटेगा तो आवर्धन क्षमता, एक इसमें से चाहे जो बढ़ेगा तो दूसरा का क्या होगा घटेगा। ये चीजों को आप समझ पा रहे हैं, चलिए देखते हैं। अगर नोट कंडीशन में हम लोग कुछ नोटेड पॉइंट कर लेते हैं, सपोज करिए नोट में पहला पॉइंट लिखेंगे हम लोग, ठीक है, अगर यदि प्रतिबिंब अनंत पर बने, जो प्रतिबिंब यहां पे बन रहा है यह प्रतिबिंब यहां ना बन करके कहां बन जाए अनंत पर बने या दूर बिंदु पर बने, यदि प्रतिबिंब दूर बिंदु, और दूर बिंदु क्या होता है एक स्वस्थ नेत्र का इनफाइनाइट, अनंत पर बने, ठीक है ना। अच्छा दूर पर प्रतिबिंब कब बनता है, अनंत पर प्रतिबिंब कब बनता है आप बताइए, आपने लेंस पढ़ा है, अनंत पर प्रतिबिंब तब बनता है जब इस वस्तु को प्रथम मुख्य फोकस पर रख दिया जाए। प्रतिबिंब अनंत पर कब बनता है, प्रतिबिंब अनंत पर तब बनता है जब वस्तु को कहां रख दिया जाए प्रथम मुख्य फोकस, चलिए देख भी लेते हैं, ठीक है ना। देखिए प्रतिबिंब कहां बन रहा है अनंत पर, यानी इमेज भी का मान क्या है अनंत है, अनंत पर बन रहा है तो भी बराबर क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा। लेंस सूत्र का फार्मूला लगा देते हैं, लेंस सूत्र से बताइए, लेंस सूत्र का फार्मूला क्या होता है, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। देखिए भी कहां बन रहा है अनंत पे, u ऑब्जेक्ट, देखिए वस्तु की दूरी इस साइड है, ठीक है ना, ऑप्टिकल सेंटर को हम लोग मूल बिंदु मानते हैं, मूल बिंदु से बाएं साइड चल रहे हैं, तो बाएं साइड इस साइड क्या होता है प्लस, उस साइड क्या होता है माइनस, सॉरी इस साइड माइनस उस साइड प्लस, तो इस साइड माइनस लेंगे तो इधर क्या होगा माइनस यू बराबर 1/f। हम जानते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है, अरे उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है ना, तो प्लस ले लिया, ठीक है। तो 1/∞ इसका मान क्या होगा जीरो, माइनस माइनस प्लस, 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब पलट देते हैं यहां से u बराबर f, अगर प्रतिबिंब दूर बिंदु अनंत पर बनेगा तो u यानी ऑब्जेक्ट को कहां रखना पड़ेगा फोकस दूरी पर, यही तो मैं पहले से ही बता रहा था, अतः क्या हो जाएगा बताइए, ये सब चीजें आपको पता रहनी चाहिए। अतः मैग्निफिकेशन पावर आवर्धन क्षमता m इज इक्वल टू डी बटे यू, यू के स्थान पर हमें क्या रखना है f, डी बटे यू, यू बराबर क्या होगा f। इस कंडीशन में जो m आएगा वह d बटे f आएगा, और ध्यान से देखिए u का मान f आया है, u का मान f आया है, यानी कि वस्तु को यहां पर आप रख सकते हैं। अब पता है इधर से इधर भी रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते, क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि इधर से इधर रखेंगे हमें कहां वस्तु रखना है o और f के ही बीच तक रहना है, o और f के ही बीच तक रहना है और कहीं भी नहीं जाना है, तो इधर आप वस्तु को नहीं रख सकते, यानी कि ज्यादा से ज्यादा वस्तु कहां तक ला सकते हैं मुख्य फोकस तक ला सकते हैं, यानी यू क्या है यहां पर, यू क्या है यहां पर, यू क्या है मैक्सिमम, और हमने आपको बताया है कि यू अगर मैक्सिमम होगा तो यम क्या हो जाएगा मिनिमम, इनवर्स में, इनवर्स में देखिए अगर यू मैक्सिमम तो ये क्या होगा मिनिमम, अर्थात यहां से एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा। बात आप समझ रहे हैं, यानी ये जो आया है ये क्या है यम मिनिमम है, ठीक है ना, न्यूनतम आवर्धन क्षमता, ये क्या है न्यूनतम आवर्धन क्षमता, ठीक है। तो एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है अधिकतम आवर्धन क्षमता और न्यूनतम आवर्धन क्षमता प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो न्यूनतम आवर्धन क्षमता, चलिए इस फिगर को हम लोग रफ करके इधर बना देते हैं, हालांकि फिगर आप लोगों ने बना लिया होगा कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे, ये अल्फा कोड बचेगा, ये एच है, ये ए बी है, ठीक है ना, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है डी है, यहां पे हमने आई को लगा दिया है, ठीक है, आई को लगा दिया है, शायद से आपको दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा होगा तो आप आसानी से उसको बना सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो पहला कंडीशन क्या है, यदि प्रतिबिंब दूर बिंदु अनंत पर बनेगा,
अगर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत बन रहा है, तो आवर्धन क्षमता हमें क्या मिलेगा, मिनिमम। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में यू क्या मिल रहा है हमें, मैक्सिमम। जब यू मैक्सिमम मिलेगा तो आवर्धन क्षमता क्या होगा, न्यूनतम होगा। और यहाँ पे अच्छा देखिए, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तब आपकी आंख जो है, नेत्र जो है, वह बताइए तनाव में रहेगी कि एकदम आसानी से आप देख सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए वस्तु आप अनंत बन रहा है, ऐसे देख रहे हैं, तो इस समय आपका जो नेत्र है वह तनाव रहित है, इस नेत्र पर कोई भी तनाव नहीं है। यानी जब वस्तु अनंत पर बनेगा तब नेत्र क्या रहेगा, तनाव रहित रहेगा, ठीक है ना। नेत्र कैसा रहेगा, तनाव रहित। इस कंडीशन में नेत्र क्या है, तनाव रहित है, ठीक है। इतनी बात शायद से आप समझ गए होंगे। चलिए दूसरा नोट पॉइंट देखते हैं। ये नोट पॉइंट वन था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये नोट पॉइंट टू, ये देखिए मेन मैग्निफिकेशन पावर है, मेन आवर्धन क्षमता। इसमें कुछ हम शर्तें डाल रहे हैं। पहली शर्त हमने डाला कि प्रतिबिंब कहां बन जाए, अनंत पर बन जाए। अब हम कह रहे हैं यदि प्रतिबिंब कहां बन जाए, निकट बिंदु पर बने। ये जो प्रतिबिंब है निकट बिंदु पर बने, यदि प्रतिबिंब प्रतिबिंब निकट बिंदु डी पर बने। निकट बिंदु को डी से ही प्रदर्शित करते हैं ना, निकट बिंदु डी पर बने। अब बताइए अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तब क्या होगा, यानी जो भी है वह कितना है, डी है। और बताइए डी का चिन्ह क्या लेंगे, माइनस लेंगे कि प्लस लेंगे। डी का चिन्ह इस साइड आएगा, अरे प्रतिबिंब इधर ही बनेगा ना, तो माइनस में लेंगे, ठीक है ना। अब बताइए लेंस फार्मूला लगा देते हैं, लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र से बताइए क्या हो जाएगा, वन अपॉन भी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ होता है। वन अपॉन भी, भी कहाँ बने, माइनस डी पर। ऑब्जेक्ट की लंबाई ऑप्टिकल सेंटर से वस्तु के बीच की दूरी यू है, माइनस में लेंगे कि प्लस में, माइनस लेंगे। प्रकाश सॉरी उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, प्लस में, तो प्लस ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से माइनस वन अपॉन डी, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। अब देखिए माइनस वन अपॉन डी है उधर जाएगा तो प्लस वन अपॉन डी, तो यहां से वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन डी है। चलिए वन अपॉन यू का मान उठा करके रख देते हैं, वन अपॉन यू का मान उठा करके, देखिए सब मान इसी में रखना है, ठीक है ना। वन अपॉन यू का मान उठा करके रखेंगे, अतः एम बराबर क्या हो जाएगा बताइए, एम बराबर देखिए इसको हम लोग इसको डी के बटे यू लिख सकते हैं, d बटे यू है, d बटे यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, d के बटे एक के बटे यू, और एक बटे यू का मान यहाँ देखिए, d बटे यू को ऐसे लिख सकते हैं, एक बटे यू का मान यहाँ से उठा करके रख रहे हैं, तो एक बटे यू का मान कितना है, वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन डी, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। d था, d रख दिया, एक बटे यू था, एक बटे यू का मान वन अपॉन एफ बटे वन अपॉन डी है। अब d का उसी में गुणा करा देते हैं, d का गुणा कराएंगे तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए d का गुणा वन अपॉन एफ में होगा तो d बटे एफ, और d का गुणा वन अपॉन डी में होगा तो d d से कैंसिल यानी वन बचेगा। इस कंडीशन में m का जो मान होगा वह कितना आ गया, वन प्लस डी के बटे एफ, ठीक है। m बराबर क्या हो गया, वन प्लस डी के बटे एफ। अच्छा इस कंडीशन में यानी जब प्रतिबिंब निकट बिंदु पर बनेगा तब लेंस की आवर्धन क्षमता कितनी आएगी, 1 प्लस d बटे f, 1 प्लस d बटे f। कुछ बातें समझिए, वस्तु को हमने कहां पे रखा है, निकट बिंदु, निकट बिंदु मतलब अपनी आंख के एकदम नजदीक रख सकते रखा है, उससे ज्यादा नजदीक नहीं रख सकते, क्योंकि अब उससे भी नजदीक लाएंगे तो वस्तु क्या होगी, हमें अस्पष्ट नहीं दिखाई देगी। यानी यहां पर इस कंडीशन में U क्या है, मिनिमम है, मतलब कम से कम दूरी पर रखा हुआ है, इससे कम दूरी पर आप नहीं रख सकते। देखिए इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में U क्या है, मिनिमम है। अब जब U मिनिमम होगा तो M क्या हो जाएगा, हमने आपको बताया मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है ना। U मिनिमम है तो M क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। तो यहां से आप बताइए वन प्लस डी अपॉन एफ क्या आया है, एम मैक्सिमम आया है, ठीक है ना। तो यम मैक्सिमम कितना हो जाएगा, वन प्लस डी अपॉन ई एफ। आवर्धन क्षमता कितना है, अधिकतम है, कितना है, वन प्लस डी एफ। अब प्रतिबिंब एकदम आपके नजदीक बन रहा है, डी पर बन रहा है, तो आपको एकदम आंख कैसे करके देखना पड़ेगा, यानी जो आपकी नेत्र है वह एकदम नजदीक की वस्तु में ज्यादा प्रेशर में, ज्यादा तनाव में रहेगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में
आंख पे, आंख क्या रहेगा, ज्यादा तनाव में रहेगा, ज्यादा तनाव में रहेगा। ठीक है, तो ये दो आपके इंपॉर्टेंट कंडीशन है। आई होप दोनों इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता इतनी होती है, दो कंडीशनों में देखा, पहले कंडीशन में यम मिनिमम मिला, दूसरे कंडीशन में एम मैक्सिमम मिला। ठीक है, तो ये सब चीजें एकदम आसान, आई होप इस आसान से क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। फिर भी कोई समस्या, सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, एकदम आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, चीज़ें आसान है, आप चाहे तो अपने मन से भी ये सब कर सकते हैं, थोड़ा सा गाइड की ज़रूरत होती है जो हम आपके दे रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।